नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हो एसएससी स्टॉक मार्केट। बात करेंगे इस वीडियो में जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के बारे में, सीधा सीधा कह लें जेपी पावर के बारे में। आज फिर से 2% की गिरावट आई है। हालांकि आज तो कह सकते हो बहाना है कि मार्केट भी गिरा है तो ये भी गिरा है, बाकी कई दिनों से ये गिर रहा है, धीरे धीरे ही गिर रहा है लेकिन गिर रहा है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता भी रहा था कि ऐसे गिर रहा है कि समझ में ना आए कि गिरावट हो रही है, क्योंकि अगर यहाँ पे जो गिरावट आई थी, जो मैं आपको बोला था, ये वाली छोटी सी गिरावट, ये वाली छोटी सी गिरावट, और फिर जो है यहाँ से एक जो है इस तरह से छोटी छोटी धीरे 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 करके बहुत ज़्यादा दिन में गिरा है भाई, बहुत स्लोली स्लोली करके मीठा जहर जिसको बोलते हैं ना वो दिया है और धीरे धीरे आ गया। कब ये जो है 21 रुपये से 18 रुपये पहुँच गया, मतलब कब अपने ऑफिस से घर पहुँच गया ये पता ही नहीं चला। पहले तो जाता था आता था तो पता चलता था कि हाँ गया है आया है, शोर शराबा करता था। अभी एकदम गुपचुप तरीके से गया है, एकदम धीरे 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 धीरे, ठीक है ना। तो कहीं घर नहीं ना बदलने वाला है, हो सकता है कि घर बदलने वाला हो, ज़्यादा रेंट जमा हो गया हो, तो इस वजह से, अब देखिए यहाँ पे एकदम परफेक्ट सपोर्ट है 18 रुपये का, जो मतलब टेक्निकली बात करेंगे केवल, ठीक है ना। और ये लास्ट खरीदारी करने का लेवल है। लास्ट का मतलब अब एकदम कोई रिस्क नहीं है, मतलब समझ लीजिए कोई रिस्क नहीं है यहाँ पे। कोई अगर चाहे तो छोटा मोटा खरीदारी कर सकता है, रिस्क ले सकता है, क्योंकि अब रिस्क ही नहीं है। मतलब अब तो इसके नीचे ब्रेकडाउन भी देगा तो भी आप सेल करके निकल सकते हो, छोटा सा भी स्टॉप लॉस ले सकते हो, मतलब उस तरह से। मतलब कि वो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे ये लेवल ब्रेक होने पे वो मुहर लग जाएगी कि 13 रुपये, ठीक है ना, 13 रुपये 14 रुपये वाला, जो ये लो के आसपास, लो से थोड़ा बहुत नीचे मेरे हिसाब से आने की कोशिश करेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस इसी के नीचे होगा ना, तो वहाँ तक आने की कोशिश करेगा। हालांकि यहाँ पे एक जो लो बना था, यहाँ पे देखिए ये आया था, ये लो बनाया था पहले, उसके बाद दूसरी बार यहाँ पे आके हाई बना, लो बना, तो ये वाला जो लो था ये रेजिस्टेंस का काम किया, पहले सपोर्ट जो बना था, अब ये वाला जो सपोर्ट है वो सपोर्ट का ही पहले काम करेगा। अभी फिर हाल में जब इसको ब्रेक करेगा तो ये जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा, और फिर जो है मेन सपोर्ट तो लो वाला यहाँ पे। तो ये यहाँ पे 16 रुपये पे एक छोटा सा सपोर्ट बनेगा इसका, जो कि मैं बहुत पहले से बताते आया हूँ आप लोगों को, लेकिन 18 रुपया ब्रेक होता है नीचे के साइड में, और 4-5 दिन भी, 2-4 दिन भी सस्टेन कर जाता है 18 के नीचे, बता रहा हूँ 18 के नीचे अगर 2-4 10 दिन भी, 2-4 दिन भी या 1 हफ्ते भी सस्टेन कर जाता है, तो फिर मान के चलिएगा कि ये 13 रुपये पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। पहले जब मैं यहाँ पे बताया करता था आप लोगों को कि 19 रुपये, सॉरी 21 रुपये, 20.5 रुपये का इसमें लेवल, डेंजरस लेवल है, रेजिस्टेंस है, और बहुत बार फेस किया है, आप एक काम करिए कि यहाँ पे सेल कर दीजिए, आप इनडायरेक्टली 1.5 रुपये का स्टॉप लॉस फॉलो कर लीजिए, 20 रुपये पे यहाँ बेच दीजिए, और आप क्या करिएगा कि 21.5 रुपये या 22 रुपये, 2 रुपये का इनडायरेक्टली स्टॉप लॉस फॉलो कर लीजिए, 22 रुपये के ऊपर अब ये चला जाता है ना, तो फिर आप इसको जो है खरीद लीजिएगा। बस यही होगा कि 2 रुपये आपको महंगा मिलेगा, क्योंकि 20 पे आपने बेचा है, 22 पे आपने खरीदा है, तो फिर 2 रुपये का वो डिफरेंस जो हो जाएगा इनडायरेक्टली आपको जो है थोड़ा सा मतलब महंगा पड़ जाएगा, बाकी वो सेफ रहेगा। नहीं तो ये 18 से 20, 18 से 20 तो करेगा ही करेगा, और अभी भी 18 से, अभी भी फिर से 20 जाके फिर 18 करेगा, तो ये अभी ये लेवल अगर ब्रेक करता है ना तो फिर 13 रुपये तक तो जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कम से कम मुझे समझ लीजिए कि 80% मुझे भरोसा है कि जाएगा ही जाएगा 13, ठीक है ना, क्योंकि नहीं जाएगा तो फिर ब्रेकडाउन का मतलब ही नहीं निकलेगा कुछ। अगर 13 रुपये पे गया और किस कंडीशन में जा रहा है ये भी देखना होगा। पहले मैं क्या आपको पैटर्न बताता था, पैटर्न में यहाँ से इस तरह से आप लोगों को पैटर्न एक बताता था, उसके बाद यहाँ से भी एक पैटर्न बताता था कि इस तरह से भी यहाँ पे पैटर्न ये बना सकता है। क्या वो पैटर्न बनाया है? अरे भाई बिल्कुल नहीं बनाया है, समझ में आ गया। अभी जो मैं पैटर्न की बात कर रहा था कि यहाँ से इस तरह से पैटर्न बनाएगा, हालांकि वो पैटर्न तो बना है, आप लोग कमेंट करिएगा कि यस नो सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, उसके बारे में 2 शब्द लिखिएगा आप लोग कि इस तरह से मैं पैटर्न कई बार आपको बना के बता रहा था कि नहीं बता रहा था, और यहाँ से भी एक बड़ा वाला पैटर्न इस तरह से बना रहा था, बता रहा था कि नहीं बता रहा था, ये चीज़ आपको मैं 10 बार, क्या पता नहीं कितनी बार बता चुका हूँ, ये चीज हुई है, ये पैटर्न बना है, लेकिन एग्जैक्ट में वो पैटर्न नहीं बना है जो मुझे चाहिए था। ये बना है पैनिक गिरावट, कंटिन्यू रेड पे रेड कैंडल बन के बना है, और ये बना है कंसोलिडेशन वाले जोन में, मतलब एक बार नीचे आया फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, मतलब
तो कुल मिला के अभी ये वाली और ये वाला जो पैटर्न मुझे बनने की संभावना थी, वो पैटर्न अभी बाकी है। मतलब वो पैटर्न अब यहाँ से भी बनेगा इस तरह से। यहाँ से ये जो बड़ी गिरावट आई थी, अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत सस्टेन करता है तो फिर यहाँ से इस तरह से ये वाली गिरावट आएगी। पैटर्न देखिए कहीं से भी बन सकता है, बस वो पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा है देखने वाली बात रहेगी। और जो यहाँ से ये वाली गिरावट मुझे संभावना थी, यहाँ से इस तरह से होगा ना, अब भाई ये यहाँ से नहीं बनेगा, अब ये यहाँ से और नीचे से बनेगा, ठीक है ना। और ये जो है ना नीचे से बनेगा, यहाँ से इसको समझिए, यहाँ से बनेगा इस वाले लेवल से। अब ये यहाँ से इस तरह से बनेगा, ठीक है ना, या फिर थोड़ा बहुत रिटेस्ट कर लेगा तो इस तरह से बनेगा। तो यहाँ से इस तरह से ये बन सकता है, और यहाँ से फिर से इस तरह से यहाँ पर बन सकता है। तो अभी भी इसमें गिरावट की संभावना है, बस लेवल सस्टेन जब तक किया है तब तक तो चलिए जान में जान है, नहीं तो फिर भाई बड़ी गिरावट आएगी। एकदम परफेक्ट लेवल है एंट्री करने का, तो कोई छोटी मोटी एंट्री करना चाहता है, देखिए संभावना है कि ब्रेकडाउन दे देगा ज़्यादा, लेकिन वही बात है ना कि जब पता ही चल जाए कि बस यही है लास्ट, जो है सो यही है, तो वहाँ पे खरीद के नीचे का छोटा सा स्टॉप लॉस फॉलो कर लेंगे। अगर हमारे पक्ष में गया फैसला तो फिर अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। और वही 21 रुपया का जो अगर टारगेट दे देता है ना, तो भी बड़ा सा प्रॉफिट हम लोगों को मिल सकता है। और स्टॉप लॉस इसमें आप 17 रुपये का भी लगा सकते हो, जो कई बार बोला हूँ, 16 रुपये का भी लगा सकते हो, ठीक है ना। 17 रुपये से लेके 16 रुपये के बीच में कहीं का भी आप लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ये मेरे साइड से रहेगा। तो देख लीजिएगा, आखिरी मौका है, तेजी आएगी तो यहीं से तेजी आ जाएगी, और अचानक से आ जाएगी समझ में नहीं आएगा, नहीं तो ब्रेकडाउन होगा, तो फिर 13 रुपये। और एक और लेवल आप लोगों को और दे रहा हूँ, जिसकी संभावना तो बहुत कम है, लेकिन 18 रुपये ब्रेक करके अगर नीचे सस्टेन करता है तो उम्मीद रहेगी कि ये एक बार 10 रुपये के आसपास भी जा सकता है। अभी इस पर आप मानिएगा मत कि अभी 10 रुपये जाएगा, मेरा व्यू है कि 10 रुपये तक जा सकता है। आपका क्या व्यू है, कि आपको क्या लगता है कि कभी भी आज या 1 साल 2 साल के बाद, कभी भी 2 महीना 4 महीने के बाद, क्या ये 10 रुपये तक जा सकता है कि नहीं जा सकता है? यस नो कमेंट करिएगा आप, और बोलिएगा उसमें, लिखिएगा कि यस 10 जा सकता है या नो नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, मेरा व्यू बस आज के लिए होल्ड करने का है। कल अगर ये नीचे, मतलब सोमवार को अगर नीचे कैंडल क्लोज करेगा, तो फिर जो मैं 21 रुपये से बोल ही रहा हूँ कि गिरावट गिरावट गिरावट, या कंसोलिडेट करेगा तो कंसोलिडेट कर रहा है, अभी भी उम्मीद है। मार्केट रिकवरी करेगा, 1% गिरा है तो ये भी कंसोलिडेट कर जाएगा, नहीं तो फिर कल्याण होना ही होना है, तय है, ठीक है ना। देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आ गया है लाइक करिएगा। बाकी एसएम एसएम लिस्ट वाला अभी कोई मैटर मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि होगा, उम्मीद है कि हो सकता है बाहर आ जाए, नहीं तो आज डेट है रतन पावर का एसएम क्लियर से बाहर आने का। आप लोग पूछ रहे हो रतन पावर का वीडियो बनाइए ना, तो रतन पावर का रोका हूँ इसीलिए कि एसएम का लिस्ट आ जाए, दिख जाए कि हाँ आ रहा है बाहर कि नहीं आ रहा है, तो बना दो, ठीक है। लाइक करिएगा वीडियो को, ठीक है ना।